महिला छठ व्रतियों की सुविधा और किसी खतरे की आशंका को कम करने के लिए राप्ती नदी के अंदर बैरिकेटिंग किया गया है। साथ ही नदी के अंदर खतरे के निशान लगवाए गए हैं। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के जरिए लोगों को नदी में बैरिकेटिंग के आगे नहीं जाने के लिए सचेत किया जाता रहेगा। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने छठ पूजा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रतिमा के विसर्जन के लिए राप्ती नदी तट तक लाइटिंग के अलावा रास्तों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं बृहस्पतिवार को नदी किनारे घाटों का समतलीकरण किया गया, बैरिकेटिंग लगाने का काम भी पूरा किया जा चुका है। एसपी नाथ अरविंद पांडे ने राप्ती नदी तट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी व्रती महिला को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक फोर्स लगाई है हम लोगों ने। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और आप जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय जो है हम भ्रमण करके इसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगेगी, लाइटिंग और पर्याप्त पुलिस बल रखा जाएगा जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। थाने के अलावा अन्य बाहरी फोर्स लगाई गई है? हाँ, बाहरी फोर्स की भी जो है ड्यूटी लगाई गई है जहाँ पे घाट की सुरक्षा के लिए, और थाने की फोर्स तो रहेगी।